नमस्कार, हूँ मनीषा। आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। સમાચારમાં વાત કરીએ તો અકોટા સયાજીનગર ગૃહમાં નવી ભોજન પ્રથાની નિઃશુલ્ક શિબિર યોજવામાં આવી। આ શિબિરમાં દવા રહિત વિશ્વને બનાવવા માટે અનોખા અભિયાનના પ્રણેતા ગુરુ બીવી ચૌહાણનું સન્માન તેમજ જીવન વિશેના પુસ્તક કાર્યકલ્પના શિલ્પનું વિમોચન પણ કરવામાં આવ્યું। विश्व सहित भारत में प्रसारित नवी भोजन प्रथा प्रणेता बीवी चौहान ने सम्मानित करवामां आव्या। प्रसंगे रेकी हीलिंग फाउंडेशन विख्यात निसर्गोपचारक तेमज एनके शर्मा की विशेष उपस्थिति रही थी। बीवी चौहान द्वारा शुरू करायेल अभियान चूले चढ़िया वगरन भोजन आरोग्य ने रोग रहित रहनी विषय निःशुल्क शिबिर न आयोजन थूं। नवी भोजन प्रथा विषे लखायेल पुस्तक विमोचन कर डॉक्टर एनके शर्मा तेमज द्वारा ज नवी भोजन पद्धति विषय तेनाथी तथा फायदा की जानकारी आपी थी। सतत 20 वर्ष थी प्रयोगों करीने लोकहित माटे विनामूल्य नवी भोजन पद्धति नो प्रचार प्रसार तेमना द्वारा करवामां आवी रह्यो छे। एनडीएस के इस कार्यक्रम में आकर मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अपने परिवार में आ गया हूँ, क्योंकि आज के इस युग में ऐसा परिवार जो कि एक अपने प्राकृतिक आहार पर रहकर अपने आप को रोग और दवाओं से मुक्त रख सकता है, ऐसा परिवार पूरे विश्व भर में फैल जाना चाहिए। और उसी लिए आज एनडीएस जो है इतना प्रयास कर रहा है। तो हम बस यूँ समझे कि हम भी उनके एक सिपाही की तरह ही हैं, बस जो काम किए जा रहे हैं। पुस्तक विमोचन भी होने वाला है क्या? हाँ, देखिए, पुस्तक जो है ऐसे महानुभावों की जिन्होंने इस क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति लेकर आए हैं भारत के अंदर, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में योगदान है हमारे धरती के लिए। तो मैं तो इसको एक प्रकार से कृष्ण का अवतार मान के चलता हूँ कि जब इतनी मेडिकल साइंस में और लोगों को लेकर इतनी धांधलियाँ और इतना लोगों को जो समस्याएं चल रही है उसके अंदर एक जैसे बोलते ना एक ठंडी एक शांति की बूंद जो है आज इससे लोगों को मिल रही है। लोगों को एक नया रास्ता मिल रहा है, पहली बार उनको पता चल रहा है कि हमें क्या जीवन जीना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए। और रोग हमारे लिए एक असंभव जैसी चीज़ है जो आज हम अननेसेसरी कमाए जा रहे हैं। वरना अगर आदमी अगर थोड़े से प्रकृति के नियमों के साथ चले तो उनके लिए रोगी होना बहुत मुश्किल काम है। आज यहाँ बड़ौदा में जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं बीवी चौहान अमरेली से हूँ, गुजराती हूँ, तो मेरे जीवन पे सुनील भाई पटेल को जो विचार भगवान ने दिया उनको मूर्तिमान किया मौन जो है यहाँ के मनीष भाई जोशी पत्रकार, उन्होंने ये आकार दिया और आज इसका विमोचन होने जा रहा है। इसलिए मैं इन सभी का और ख़ास तौर पे ईश्वर का, प्रभु का पहाड़ मानता हूँ, आभार मानता हूँ। छेल्ला 30 वर्ष थी चौहान साहेब आ पद्धति थी जीवन जीवी रहा छे अने विश्व ने दवा वगर सारा रहेवानो एक उदाहरण रूप बन्या छे, एक ऋषि मुनि जेवु जीवन जीवी रहा छे। तो एमनू जीवन चरित्र एने समाज माटे रजू करवा माटे अमने प्रेरणा थई अने वडोदराना अमारा दुष्यंत भाई मोदी साहेब, वटचंदाणी साहेब नी प्रेरणा थी अमे आ पुस्तक नवी भोजन प्रथा थकी कायाकल्पना शिल्पी ए पुस्तक ने आकार आप्यो अने अमारा मित्र पत्रकार लेखक मनीष भाई जोशीए एनू लेखन कर्यु अने एनू आजे आ विमोचन थवा जई रह्यु छे। तो वडोदराणी जनता ने हूँ आह्वान करूँ छूँ कि नवी भोजन प्रथा वधु में वधु लाभ लई अने तंदुरस्त रहे। चौहान साहेबनी हाजरी में अने शर्मा साहेब खास दिल्ली थी आपने पास आया छे, तो एमनी बुकनू जे विमोचन करवानू छे ये अमे बहु नसीबदार छे। वडोदराणी प्रजा अने गुजरात समाज आखो अने हूँ पोते डॉक्टर वटचंदाणी मेडिकल कॉलेजनो प्रोफेसर होई आना जे आनंद आवी रह्यो छे आ नवी भोजन प्रथा विषे जाणीने एनी कोई कहेवा माटे मारी पासे शब्दो नथी अने हूँ बधाने मारा प्रणाम अने अभिनंदन।